मंगलवार को गुवाहाटी में खेले गए T20 मुकाबले के बाद होटल लौट रही ऑस्ट्रेलियाई टीम की बस पर किसी ने पत्थर फेंका, जिससे बस का शीशा टूट गया। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज एरॉन फिंच ने बस के टूटे हुए शीशे की तस्वीर भी ट्वीट की। असम के गुवाहाटी में मंगलवार को खेले गए T20 मैच के दूसरे मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार को शायद भारतीय फैंस पचा नहीं पाए। मैच के बाद जैसे ही ऑस्ट्रेलियाई टीम बस में बैठकर स्टेडियम से बाहर निकली, तभी किसी ने बस पर एक पत्थर फेंक दिया, जिसमें बस की एक खिड़की का शीशा टूट गया। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। जब यह हादसा हुआ तब ऑस्ट्रेलियाई टीम होटल वापस लौट रही थी। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज एरॉन फिंच ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, साथ ही बस के टूटे हुए शीशे की तस्वीर भी साझा की। हालांकि इस घटना में अब तक किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन इस घटना से विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने अब तक दो लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया ने गुवाहाटी के नए बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 T20 मैच की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।